वैसे तो दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश की राजधानी है। इसी दिल्ली से भारत विश्व युद्ध होने के सपने, विश्व गुरु होने के सपने देख रहा है। लेकिन 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली इन दिनों ये कैसी गंदी बस्ती से लगने लगी है। दरअसल दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप है, लेकिन जिन लोगों पर दिल्ली वालों को इन बीमारियों से राहत दिलाने की जिम्मेदारी है, वो लापरवाह बनकर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। यही नहीं, मीडिया जब सवाल करता है तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बदजुबानी से बाज नहीं आते। चिकनगुनिया से पूरे संसार के अंदर एक डेथ नहीं हुई आज तक, अब दिल्ली के अंदर डेथ दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा ये मीडिया का क्रिएटेड पैनिक है। ये हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, नाम है सत्येंद्र जैन। जैन साहब गोवा में पार्टी का प्रचार कर रहे थे। दिल्ली में चिकनगुनिया से 5 लोगों की मौत की खबर सुनी तो दौड़े भागे दिल्ली पहुंचे। लेकिन यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगता है कि इन्हें भी सियासत का चिकनगुनिया हो गया है। अब साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि चिकनगुनिया से दिल्ली में कोई मौत हुई ही नहीं, बल्कि इनका दावा है कि ये सब मीडिया का किया धरा है। सबसे बड़ा ये मीडिया का क्रिएटेड पैनिक है, और मीडिया को कहते हैं, सुपारी दी जाती है कि आप उठा के इसको पैनिक बनाइएगा। पूरे हिंदुस्तान, आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आप क्यों अटका रहे हैं बीच में? आपको सुपारी मिली है क्या? सर सुन लीजिएगा, सुपारी की कोई बात नहीं, सवाल पूछ रहे हैं। हां सर, बताता हूं मैं आपको। सर सुन लीजिए ना, पैनिक फैला रहे हैं आप लोग, पूरी दिल्ली का बिल्कुल फैला रहे हैं पैनिक। मीडिया को बैन करवा दीजिए। तो सर आप कर लीजिए, अपने आप कर लीजिए। मैं तो आपको सामने कह रहा हूँ ना, मैं डरता थोड़ा हूँ। मेरे को क्या डर लगता है? सर मीडिया को कहा गया चिकनगुनिया से पूरे संसार के अंदर एक डेथ नहीं हुई आज तक, अब दिल्ली के अंदर डेथ दिखा रहे हैं। मेडिकली प्रूव करके दिखा दीजिए चिकनगुनिया से। सत्येंद्र जैन यही नहीं रुके, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। और एमसीडी के 2 मेयर गए थे बाहर, हमसे पूछ रहे क्यों उन्हें सफाई क्यों नहीं करते। मेयर का काम क्या है? एमसीडी का एक ही काम है, 2 काम है, बल्कि एक काम है सफाई करना, एक जेब की सफाई करना। जेब की सफाई करने में लगे हुए हैं। एक एक बिल्डिंग बनते हैं, 2-2 लाख रुपए पर लेंटर लेते हैं, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। पैसे लेने बंद नहीं करते, पैसे लेने में लगे हुए सारे अफसरे। उनसे पूछो कि पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हो आप लोग, पैसे लेने बंद करो, सफाई करो ना सारे जगह। 272 दिल्ली के अंदर काउंसलर हैं, वो काउंसलर कर क्या रहे हैं? सफाई कौन करेगा? सफाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ एमसीडी की है, सिर्फ और सिर्फ एमसीडी की है। सत्येंद्र जैन बेशक ये कह रहे हो कि चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अब जरा ये बयान भी सुन लीजिए। दिल्ली में चिकनगुनिया से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 मरीजों की मौत अकेले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुई। लेकिन चिकनगुनिया एज ए होल, इससे डेथ बहुत कम है, अनलेस इसके अंडरलाइंग कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अंडरलाइंग जैसे कि एक तो एक्सट्रीम ऑफ एजेस, जैसे कि एल्डरली 60 ईयर के बाद के होते हैं। हमारे जितने भी डेथ हुए हैं, तीनों पेशेंट मोर देन 60 ईयर थे। नंबर 2, उनमें कोई और भी ऐसे डेबिलिटेटिंग डिजीज होती है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकल अस्थमा, और बाकी कोई ना कोई ऐसे ऑर्गन फेलियर हो जाता है। पूरी दिल्ली में चिकनगुनिया का खौफ किस कदर फैला हुआ है, ये भी अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए। चिकनगुनिया का ऐसा कहर है कि अब इसकी वजह से दिल्ली में इंसानियत भी मर रही है। ये हैं छोटे लाल, जिनकी पत्नी की दिल्ली में चिकनगुनिया की वजह से मौत हो गई थी। ये अपनी पत्नी के शव के साथ 6 घंटे तक पूरी दिल्ली में भटकते रहे, क्योंकि मकान मालिक ने शव के साथ इन्हें घर में दाखिल नहीं होने दिया और अस्पताल ने शव को रखने से इनकार कर दिया। जवाब दे दिया तो फिर बोले कि इसको डेड बॉडी को ले जाओ, फिर निकाल लिए। फिर आप लेके डेड बॉडी कहाँ गए? उसके बाद हमने बाहर खड़ा कर रखे थे। लेकिन रखने नहीं दी बॉडी आपकी वहाँ पे? नहीं रखने नहीं दी। सर मैंने बॉडी बिल्कुल वो घर पे लाए हैं, उनके पास मैंने उनको हेडीवास से पूछा तो उन्होंने कहा कोई कागज नहीं दिया, सिर्फ एक दवाई वाला पर्चा दिया। मैंने उनसे कहा इससे तो ना आपको कोई जलाने देगा ना फूकने देगा, ठीक है। इसके लिए मैंने उससे जो गाड़ी वाला था उससे बात करी, इसके साथ इनको पैसे दिए मैंने। गाड़ी वाले से बात की, रात भर आप रखिए, इनके कागज बनवा के दीजिए,
एक्चुअली मेरा लड़का छोटे वाला खुद चिकनगुनिया से पेशेंट है, वो एडमिट है, मैं घर में अकेले था इस टाइम। करीब 6 घंटे से ज्यादा समय तक भटकने के बाद इलाके के प्रधान के घर में शव रखवाया गया। दिल्ली बेशक डेंगू और चिकनगुनिया से मर रही हो, लेकिन इसके बावजूद इस पर लगाम लगाने के कोई इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। जो जगह है इसको आप चिराग तले अंधेरा कह सकते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे मरीजों को ठीक करने के लिए इंतजाम है, लेकिन उसके जब आप बाहर निकलेंगे तो उसके बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर गंदगी दिखेगी, पानी दिखेगा और बीमारी का पूरा इंतजाम यहाँ पर करके रखा हुआ है। कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, इसकी MCD को भी लेटर भी लिख चुके हैं, पर कोई असर नहीं है। ना कोई दिल्ली सरकार देख रही है, ना कोई MCD देख रही है। इसी के कारण ही पूरी दिल्ली के अंदर हमारे क्षेत्र में यहाँ तो ना दवाई छिड़काव, ना कोई फॉगिंग। यह हाल सिर्फ दिल्ली के एक इलाके का नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली में ऐसे ही हालात हो चुके हैं। मेरे सामने जो पानी आप देख रहे हैं, ये बारिश का बारी नहीं, ये ठहरा हुआ पानी है जो सीवर के जाम होने की वजह से यहाँ लगातार ठहरा हुआ है और मच्छरों के लिए शानदार ब्रीडिंग ग्राउंड है। जितना जोर उन पोस्टर्स को छपवाने में लगाया गया कि मच्छरों के लिए पानी इकट्ठा ना होने दें, उसका कुछ जोर पानी हटाने पर लगाया होता तो शायद ये स्थिति ना होती। अपनी खामियों को छुपाने की नाकाम कोशिश करने वाली दिल्ली सरकार अब विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इस पे तल्ख टिप्पणी मत करिए, इस पर राजनीति मत करिए, इस पर जवाब दीजिए। आप कहते हैं 10 रुपए खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। मैं सवाल करता हूँ, ये फिनलैंड में किसके पैसे से गए हुए हैं? ये आप जो वेटिकन गए थे अपने इतने सारे मंत्रियों को लेकर किसके पैसे से गए थे? एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उस सरकार की होती जो चुनकर आती है लोगों से, तो इससे क्या फ़ायदा कि उन्होंने कर दिया या उससे कर दिया, ये तो लोगों को गुमराह करने की बात है। क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग रही केजरीवाल सरकार? जी हाँ, तो जिम्मेदारी से तो भाग ही रहे, नहीं तो ऐसी बात क्यों करते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों को डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। जनवरी महीने से लेकर हमने इसकी बाकायदा प्रोटोकॉल्स को बनाना, एडवाइजरीज देना, जनवरी से लेकर के अभी तक हमने 11 एडवाइजरीज दी हैं। 1.5 महीने पहले मैंने हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली को बुला करके और MCD और NDMC के सारे पदाधिकारी और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला करके क्या क्या नॉर्म्स पूरे करने हैं वो हमने बताया है, और साथ ही साथ हमने उनको दवाई के दृष्टि से, बाकी सारी चीज़ों की दृष्टि से सारी डिटेल्स दी हैं। मैं इस समय कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, आज भी इन सारे विषयों के बारे में केंद्र सरकार सजग होकर के डेली डे टू डे रिव्यू कर रही है। कुल मिलाकर दिल्ली बीमार है और दिल्ली सरकार फरार। अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाली दिल्ली सरकार ने इस बार भी वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी, लेकिन सबसे ज्यादा पछतावा आज दिल्ली की जनता को होगा जो इन बीमारियों की चपेट में है और बदले में उसे सिर्फ बहाने मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली का हाल आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री दिल्ली में मौजूद नहीं है। जब स्वास्थ्य मंत्री आते हैं सत्येंद्र जैन, तो आपने देखा क्या रवैया उनका सामने आया है।